हेलो दोस्तों, जे मोबाइल रिपेयर में आपका स्वागत है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पोको M6 Pro 5G, इसमें FRP बाईपास करके हम आपको दिखाने वाले हैं। और वीडियो ज़रा सा लंबा है, ठीक है, लेकिन 100% वर्किंग वीडियो है, ठीक है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। देख सकते हैं यहाँ पे FRP लॉक लगा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आपको वाईफाई कनेक्शन कर लेना है, ठीक है। वाईफाई करो, कनेक्ट कर ले। उसके बाद क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सिम का जो नेटवर्क है उसको हटा दे और वाईफाई नेटवर्क से ही काम करना है आपको, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम कनेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। और मेरे इस चैनल पे आप नए तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कर दें। यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करना, ये चार जो डॉट वाला है लेफ्ट साइड उसमें, उसके बाद सेटिंग को खोलना है। यहाँ से जैसे सेटिंग खुलता है, उसके बाद ये इसमें जाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच वाले पे लॉन्ग प्रेस दबाना है, ठीक है। उसके बाद आपको शेयर वाला ग्रीन कलर का ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको नॉर्मली शेयर मी में जाना है, ठीक है। शेयर मी इसको क्लिक कर लें। उसके बाद जो प्रोसेस यहाँ का है सारा कुछ अलाउ कर दें। सबको परमिशन दे दें आप। उसके बाद जैसे ये स्कैन करने वाला कैमरा जैसे खुलता है, उसके बाद ये इस फ़ोन को यहाँ से किनारे कर दें। उसके बाद न्यू कोई भी एक न्यू डिवाइस आप ले लें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नया एक फ़ोन ले लिए हम। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आपको देखें यहाँ से, हम क्रोम को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम नॉर्मली सर्च करते हैं। इंटरटेक प्रो, ठीक है। इंटरटेक प्रो जैसे सर्च करते हैं, उसके बाद इसको इस वेबसाइट को खोल ले। उसके बाद थ्री डॉट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे जाना है। थ्री डॉट में जैसे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली APK बाईपास यहाँ ऑप्शन एक खुलेगा, उसमें जाना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद आपको नीचे एक एक्टिविटी लॉन्चर एक मिलेगा, ठीक है। एक्टिविटी लॉन्चर, ठीक है, इसमें जाना है। इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लें। ओपन बिल्कुल भी नहीं करना, यहाँ से बाइक हो जाए, ठीक है। बाइक हो जाए, उसके बाद यहाँ पे एक स्वामी शेर शेर में, ठीक है, स्वामी का जो शेर में है इसको पहले ओपन करना है। उसके बाद जो भी यहाँ का प्रोसेस है सारा को यहाँ पे परमिशन आप दे दें। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि कौन सा अलाउ करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जरा सा अच्छे से देखें, तब जाकर आपको समझ में आएगा कहाँ से कैसे करना है। उसके बाद यहाँ जैसे इस तरह का इंटरफेस खुलता है, उसके बाद आपको रिसीव वाला में जाना है, ठीक है। ग्रीन कलर का जो है रिसीव, रिसीव वाला में जाना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा खुला हुआ है। उसके बाद रिसीव वाला में यहाँ पे न्यू जो फ़ोन है उसमें रिसीव दबाना है। उसके बाद यहाँ पे सारा अलाउ कर दें। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे QR जो खुला उसको स्कैन कर लेना, पुराना वाला जिसमें लॉक लगा हो उसको स्कैन कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ वेट करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो कनेक्ट होने के बाद क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट में दबाना है। उसके बाद APK में जाना है, ठीक है।
एप्लीकेशन में जाना, उसके बाद देख सकते हैं एक्टिविटी लॉन्चर जो था उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से सेंड कर देना है, यहाँ से सेंड करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, इसको इस फोन में इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इंस्टॉल कर ले, उसके बाद यहाँ से इसको ओपन करें, ओके दबाएं, ज़रा से यहाँ पे वेट करें। और ध्यान रखिए, वीडियो कहीं कहीं नहीं समझ में आए तो मेरा वॉइस जो है, मेरा आवाज़, उसमें आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। टाइम वेस्ट वाला बिल्कुल भी वीडियो नहीं, आप ध्यान से पूरा देखें। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली जाने के बाद क्या करना है आपको, एंड्रॉयड सेटअप, एंड्रॉयड सेटअप में जाना है। यहाँ पे जहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन लोगो नहीं है वो उसी को दबाना, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इसी में जाना है जहाँ पे खाली नज़र आएगा। ठीक है, उसको जैसे दबाते हैं उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट बटन को दबाना है। अच्छे से कर देते हैं क्योंकि दो फोन यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा है। स्टार्ट में दबाना है, फिर नेक्स्ट कर, नेक्स्ट दबा लेना। ठीक है, एडजस्ट नहीं हो रहा है, उसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली नेक्स्ट में दबाना है, ये वाला जो पुराना मेरा फ़ोन है उसमें नेक्स्ट दबाना है। फिर से नेक्स्ट दबाना, उसके बाद यहाँ पे डोंट कॉपी में दबाना, उसके बाद फिर से यहाँ नेक्स्ट दबाना, उसके बाद यूज़ गूगल अकाउंट, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया पोको M6 Pro जो इसका डिवाइस नेम है। उसके बाद इसका काम खत्म। उसके बाद न्यू वाले फ़ोन में गूगल खोलना है, यहाँ पे लिखना है सेट अप माई डिवाइस। ठीक है, सेट अप माई डिवाइस, जैसे ओके करें गेटिंग स्टार्टेड ये आ जाएगा ऑप्शन, नेक्स्ट करें। उसके बाद सेम सेम दोनों में आएगा। ठीक है, जैसे अब यानी गेटिंग स्टार्टिंग का स्टार्टेड करते हैं तो ये सेम आ जाएगा लोगों देखने में। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ध्यान दें क्योंकि यहाँ से जो काम है वो स्टार्टअप होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नॉर्मली कर ले, फिर यहाँ पे कॉपी में जाए, उसके बाद यहाँ पे फिंगर दबा, जो भी यानी लॉक लगा हुआ स्क्रीन का वो लॉक दबाएं। इस तरह का कंटिन्यू सेटअप यानी वेटिंग करने को बोलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से। ठीक है, M6 Pro यहाँ पे है लेकिन इसमें शो करने लगा। ठीक है, पोको M6 Pro 5G, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डोंट कॉपी में जाना है ये फोन में, फिर से यहाँ पे दबाना है डोंट कॉपी। उसके बाद ये फोन का काम यहाँ से खत्म हो चुका है, इसको यहाँ से किनारे कर दें। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली जिससे फ़ोन को सेटअप करते हो वैसे दबाएं एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली फ़ोन को पहले रीस्टार्ट कर ले फ़ोन, जैसे एक्सेप्ट वाला आएगा उसके बाद फ़ोन को रीस्टार्ट कर ले फ़ोन को। ठीक है, तब जाके काम बनेगा। जैसे स्टार्ट होता है उसके बाद नॉर्मली क्या करना है आपको, यहाँ से स्किप कर लेना है। नेटवर्क मेरा कनेक्ट हो चुका है, यहाँ से स्किप कर दें। आगे बढ़ा लें, उसके बाद यहाँ पे डोंट कॉपी,
नेक्स्ट देख सकते हैं अकाउंट यहाँ ऐड हो चुका है मेरा। उसके बाद नेक्स्ट कर लें, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली वो पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वही जो वो फ़ोन में है यहाँ पे वो पैटर्न आप यहाँ लगा लें, ठीक है। जैसे देख सकते हैं ये पैटर्न वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। जैसे करते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ से डोंट स्किप, स्किप में यहाँ पे दबाना है लेफ्ट साइड वाले, डोंट रीस्टोर। उसके बाद जैसे सेटअप करते हैं नया फ़ोन को वैसे सेटअप करना है, और ध्यान रहे कि जैसे यहाँ पे कंटिन्यू दबा दें, उसके बाद जैसे न्यू फ़ोन को सेटअप करते हैं वैसे सेम करना है। उसके बाद ये इस फ़ोन में यहाँ पे आपका एक कंडीशन है कि दो मरतबा ये सेटअप करने को बोलेगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो में एक ही मरतबा करके दिखा दे रहे हैं, दूसरा बार आप खुद अपना फ़ोन में कर लें, तब जाके आपका कंप्लीट तरीके से ये ख़त्म हो जाएगा, लोग जो है वो कंप्लीट तरीके से वो टूट जाएगा। जैसे जो अभी दिख रहा है सेम यही चीज़ को फिर से प्रोसेस यही चीज़ को करना है, तब जाके ये दो मरतबा करना पड़ेगा, ठीक है। याद रहे, जैसे सेटअप हम कर रहे हैं, स्वामी हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुली वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को शेयर भी करते हैं दोस्तों में, क्योंकि ये 100% वर्किंग वीडियो है। अब देख सकते हैं आपका भी काम हो जाएगा, तो सेम जो अभी प्रोसेस किए सेम वही चीज़ फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा।